सत श्री अकाल, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कोड़ा। सब तो पहला शुरुआत करांगे पाकिस्तानी ड्रोन के नाल। पाकिस्तान दीआं नापाक कोशिशां लगातार जारी ने और पाकिस्तान तो ड्रोन जरिए राजस्थान हैरोइन पहुंची। खेप लैण दे लई पंजाब तो तस्कर राजस्थान पहुंचते हैं और तस्करा ने BSF जवानों से गोलीबारी की है। तो तस्कर BSF विचाले जबरदस्त फायरिंग हुई है और ख्यालीवाला चौंकी से यह पूरी वारदात जी वापरी है। हरोइन तस्कर गड्डी लैके मौके तो फरार होए और BSF तो पुलिस ने तस्कर का पिछा किया और किकरां वाली चक नेड़े ब्रेजा कार दे विच तस्कर फड़े गए ने। तो दो तस्कर काबू कर ले गए ने और 6 किलो हैरोइन भी बरामद की गई है। 3 तस्कर मौके तो फरार होने दे विच कामयाब हो गए। तो दसिए पिंड वाट अरबी नेड़े नहर नेड़े दी लवारस तस्करों की कार जिहड़ी है वो बरामद की है और कार विचों दी एक मोबाइल डोंगल ते कपड़े ते होर समान भी जिहड़ा बरामद किया गया और 2 तस्कर काबू कर ले गए ने। तो 6 किलो हैरोइन इस पूरे मामले दे विच बरामद की गई है जो कि पाकिस्तान वालों ड्रोन के जरिए भेजी गई सी। हरनेक इस वेले साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते बने होए ने। हरनेक, पूरे मामले दे विच होर की कुछ जानकारी है? जी अनू, मैं सब तो पहला लिविंग इंडिया दे दर्शकों नू दस देना चाहुंदा है कि पंजाब दे विच पंजाब सरकार ते BSF दी बॉर्डर ते सख्ती तो बाद पंजाब दे जिहड़े तस्कर है उन्होंने हुण किते ना किते हीरोइन मंगाउण वास्ते पंजाब नू दुबारा नशे दे विच डुबाउण वास्ते गंगानगर जिहड़ा बॉर्डर है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिता है। अज तड़के भी पाकिस्तान तो ड्रोन की मदद के नाल 6 किलो हीरोइन जिहड़ी सी और गंगानगर के ख्याली वाला बॉर्डर से भेजी गई जिथे पंजाब के 5 तस्कर ब्रेजा गड्डी दे विच उस हीरोइन नू लैण वास्ते पहुंचे सी। जिसकी सूचना राजस्थान BSF नू ते रायसन नगर पुलिस नू लगन तो बाद उन्होंने लगातार इन्हां तस्करां दा पिछा करना शुरू किया और उस दे विच तस्करां ने BSF ते पुलिस के उत्ते फायरिंग शुरू कर दिती, जिस तों बाद जो मौके ते ब्रिजा गड्डी सी वह BSF ने पकड़ ली है। 3 तस्कर जिहड़े सी वह मौके तो फरार हो गए हैं और 2 तस्करां नू BSF ते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ते मौके तो 6 किलो जिहड़ी हीरोइन की खेप सीगी वह बरामद कर ली गई है जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपया दसी जा रही है। जी बिल्कुल हरनेक, जिस तरीके नाल गोलीबारी भी की गई है, मुठभेड़ भी हुई है, उस दे विच किसी के जख्मी होने की खबर है? जी बिल्कुल, आमने सामने फायरिंग हुई है, तस्करों ने भी फायरिंग की है, उस दे विच BSF ते रायसन नगर पुलिस जिहड़ी उन्होंने भी मुकाबला किया है। जिस तों बाद किकर वाला पिंड दे नेड़ा जो पाकिस्तान पंजाब नू जाण वाला रस्ता है उधर नू भज्जण की कोशिश कर रहे सी पंजाब दे तस्कर है 5 जिहड़े ब्रेजा गड्डी नवीं गड्डी है, नंबर प्लेट भी नहीं है गड्डी की और जो सी उसनू गड्डी नू BSF ने घेरा पा लिया सी क्योंकि तुरंत पूरे गंगानगर की पुलिस ते BSF ने पूरे गंगानगर जिले दे विच नाकाबंदी कर दित्ती सी, बॉर्डर ते नाकाबंदी कर दित्ती गई सी। जिस तों बाद तस्कर घेरे विच आ गए, 3 तस्कर मौके तो गड्डी चो निकल के भज्जण च कामयाब रहे ते 2 जिहड़े तस्कर सी उन्हां नू BSF ते रायसन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल हरनेक, इन्हां नू कोर्ट दे विच कदों पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि होर खुलासे हो सकन? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ BSF ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਨੇਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ होर खुलासे जिहड़े ने अगे होणगे, पर हाले फिलहाल सर्च अभियान जिहड़ा उह लगातार चलाया जा रहा है ताकि पता लग सके कि होर 6 किलो तो अलावा जिहड़ी हैरोइन है होर कोई भी जिहड़ी पहुंची है, होर चीज़ की सप्लाई की है या फिर नहीं, इस सारी चीज़ों की जांच जिहड़ी है वह की जा रही है।